पुराने बोतल से बनाए सुंदर अफ्रीकन डॉल क्राफ्ट, बिल्कुल मार्केट जैसा। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। आपके पास जो भी बोतल उपलब्ध हो, जैसे शीशा प्लास्टिक बोतल, लेकर उसकी सफाई कर ले। मैंने 3 का सेट लिया है। 1 कप आरारोट पाउडर या कॉर्नफ्लोर पाउडर जो किराने की दुकान में आसानी से मिल जाता है, 1 कप फेविकोल MR, 1 चम्मच वाइट विनेगर, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच वाइट एक्रेलिक कलर। इतना फेंटे कि गुठलियाँ ना रहे। बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ाएं, लगातार चलाते रहें। जैसे ही पेस्ट गाढ़ा होने लगे गैस को बंद करें, हल्का सा ठंडा होने दें। हाथों में रिफाइंड ऑयल या वैसलीन लगाकर बिल्कुल अच्छी तरह मैश करें। इसे खींच कर देखें, बिल्कुल ड्रॉप बनकर नुकीला हो जाए तो आपका डो परफेक्ट बना है। इसे जिप पाउच या पॉलीथीन में लपेट कर एयर टाइट डब्बे में रखें। फ्रिज में रखकर इसे 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आइडिया के लिए क्राफ्ट का एक स्केच कर लें। ये लोहे का तार है जो किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। इसी से क्राफ्ट का स्ट्रक्चर तैयार करें जो बोतल के साइज का आधा होगा। दिखाए गए विजुअल के हिसाब से क्राफ्ट का स्ट्रक्चर तैयार करें। स्केच को सामने रखें ताकि क्राफ्ट का रिदम आपके हिसाब से बने। ध्यान रहे, तार ऐसा यूज़ करना है जो आसानी से मुड़ जाए। इसके ऊपर आप एल्युमिनियम फॉइल या पेपर या पॉलीथीन, यहाँ तक बेकार कपड़े का भी लेयर लगा सकते हैं। टेप या फेविकोल की सहायता से चिपकाकर कॉम्पैक्ट करें। सभी सेट्स पे ये तरीका अपनाकर क्राफ्ट का बेस तैयार करें। इस तरीके से हमारा जो क्ले है वो कम लगेगा। आइए दोस्तों, क्राफ्ट की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। काम करने से पहले हाथों में वैसलीन या कोई भी ऑयल लगा लें, क्योंकि ये लमासा क्ले थोड़ा सा स्टिकी होता है। हेड और बॉडी पे लेयर कर ड्राई होने दें। जैसे ही क्राफ्ट ड्राई होता है, कॉइल बनाकर हाथों की भी लेयरिंग करें। जॉइंट को पानी से स्मूथ करें। सभी क्राफ्ट पे यही तरीका अपनाकर ड्राई होने दें। इसके साथ ही क्राफ्ट के एनाटॉमी को ध्यान रखते हुए जितनी भी डिटेल्स आपको लगती हैं, छोटे छोटे डिटेल्स, वो कर ले। इनमें से एक क्राफ्ट के हाथों में टोकरी थमाने के लिए साइज के हिसाब से आलू की सहायता से गोल टोकरी जैसा शेप बना ले और ड्राई होने दे। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी है, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिल जाता है। केवल पानी मिलाकर इससे हम गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। इस गाढ़े पेस्ट की सहायता से बोतल के गर्दन पे लेयर करें, यानी गड्ढे को फिल करें। सभी क्राफ्ट पे ऐसा कर इसे अच्छे तरीके से ड्राई होने दे। ये ड्राई कितने देर में होगा ये इसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्राफ्ट जो ड्राई हो गया है, छोटे छोटे डिटेल्स स्टार्ट करें। छोटी छोटी हथेलियाँ बनाकर उंगलियों की डिटेलिंग करें और इन्हें हाथ पे पानी की सहायता से चिपका लें। सभी क्राफ्ट पे बारी बारी से ये करें। 2 छोटे कान बनाकर भी चिपका लें। हम चेहरे की डिटेलिंग नहीं करेंगे, प्लेन रखेंगे। पगड़ी के लिए क्ले से लंबे स्ट्रिप बनाकर फेविकोल की सहायता से रोल करते हुए चिपका लें। ब्रश के पिछले हिस्से से सिलवट बनाएं। ठीक यही तरीका अपनाकर क्राफ्ट के ड्रेस की भी डिटेलिंग कर लें। सभी क्राफ्ट्स पे ये तरीका अपनाकर सभी क्राफ्ट को अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। दोस्तों, लमासा क्ले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गिरने पे टूटता नहीं है। इसीलिए मैंने ये वाला क्राफ्ट इस क्ले से बनाया है। आप चाहे तो वॉल पुट्टी से बना सकते हैं, बनाने का तरीका यही होगा। क्ले से बिल्कुल पतले क्वाइल बनाएं और गहनों की डिटेलिंग स्टार्ट करें। आप चाहे तो खुद के पसंद से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप जिसमें कंफर्ट हो वही करें। चिपकाने का सारा काम फेविकोल से करें और जितने भी सेट्स हैं सभी पे अलग अलग तरीके से भी गहने बना सकते हैं। इन्हें बनाकर फिर से अच्छे तरीके से ड्राई होने दें। बोतल को बैलेंस करने के लिए, इसके लिए मैंने इसमें रेत भरा है। आप चाहें तो मिट्टी या कंकड़ वगैरह भी भर सकते हैं ताकि नीचे का पोर्शन भारी रहे, यानी बैलेंस रहे। बोतल के अंदर खाली बचे हिस्से में वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट भरें।
क्राफ्ट को इंसर्ट करें, चारों तरफ से स्मूथ करें। सभी क्राफ्ट को 4 या 5 घंटे तक ड्राई होने दें ताकि ये क्राफ्ट हमारा फिक्स हो जाए। ड्राई क्राफ्ट के वॉल पुट्टी वाले हिस्से को 320 नंबर के सैंड पेपर यानी रेगमाल से स्मूथ करें। टोकरी को या तो चिपका ले या फंसा दे। कलर शुरू करते हैं, ब्लैक 02 नंबर एक्रेलिक कलर। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। एक कोट करें, ड्राई होने दे, फिर दोबारा कोट करें। चाहे तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं, अपने आप शाइनिंग आ जाएगी। एक्रेलिक ब्रॉन्ज पाउडर कलर, चाहे तो नाम नोट कर लें। इसके साथ हमेशा हम मीडियम 1 या 2 मिलाकर कलर तैयार करते हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। स्पंज पे ब्रश की सहायता से कलर लगाएं और क्राफ्ट के पगड़ी पे और कपड़ों पे पहला कोट करें। ड्राई होने दें, फिर दोबारा कोट करें। सभी क्राफ्ट पे यही तरीका अपनाएं। कुछ जगहों पे जहाँ ज़रूरत हो ब्रश की सहायता से भी ब्रॉन्ज कलर लगा सकते हैं। जो बोतल वाला हिस्सा रहता है उस पे अपना मनपसंद पैटर्न बनाएं। फूल पत्ती या जो डिज़ाइन जिसमें आप कंफर्ट हो वही बनाएं। 2-3 कोट करें और ड्राई होने दें। कट मिरर्स स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो डिज़ाइन पे फेविकोल की सहायता से चिपका लें और इन्हें ड्राई होने दें। तो दोस्तों, बेकार बोतल से बना ये अफ्रीकन डॉल क्राफ्ट तैयार है। आप मार्केट या ऑनलाइन ट्राई करें, बहुत महंगा मिलता है, पर आपने तो घर में बनाकर अपने हुनर से साबित कर दिया कि कोई भी महंगा क्राफ्ट आप बिल्कुल सस्ते में घर पे ही बना सकते हैं। अपने हुनर को जगाए रखें, अपनी कला यात्रा जारी रखें। मेरे ज़्यादातर क्राफ्ट वॉल पुट्टी से बने होते हैं जो काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो ये 2 क्राफ्ट क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, इसे सीखकर आप बेसिक जानकारी पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के बजट वाले बहुत सारे क्राफ्ट मेरे चैनल पे मौजूद हैं, साथ ही अनेकों क्राफ्ट वीडियो अभी आने बाकी हैं। कोई भी क्राफ्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।